जी हाँ, जे आर कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। जे आर कॉन्वेंट, सुनीता विद्या नगरी, दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118, 9576466461। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान में डकैतों ने महिलाओं को बंधक बनाकर गहने समेत 8 लाख की संपत्ति लूटी। विरोध करने पर महिला को पीटा, कहा कि हम पुलिस है, शराब और गांजा जांच करने आए हैं। सिवान जिले के हसनपुरा थाना के कन्हौली निवासी देवनंदन शाह के घर में बीती रात सशस्त्र डकैतों ने बंधक बनाकर 40,000 नकद, 8 विदेशी कंबल, 6 लाख के गहने सहित 8 लाख की संपत्ति लूट ली। उसके बाद पूरब दिशा की ओर डकैत भाग निकले। डकैतों ने करीब 1.5 घंटे तक लूटपाट किया। बताया जा रहा है कि घर के सभी पुरुष बाहर रहते हैं। बीती रात हथियारबंद डकैतों ने बरामदे में सो रही महिलाओं को जगाकर बोला कि हम पुलिस हैं, शराब और गांजा जांच करने आए हैं। वहां रखे कुछ बैग में खोजबीन की। इसी बीच अन डकैत जंगला के सहारे घर में घुसकर मुख्य दरवाजा खोल दिया। उसके बाद महिलाओं को लगा कि पुलिस नहीं डकैत है, शोरगुल करने लगी। हथियार का भय दिखाकर घर के अंदर अपने बच्चों के साथ सो रही चंदन शाह की पत्नी कुसुम को कब्जे में लेकर घर की चाबी मांगी, लेकिन चाबी नहीं देने पर रड और थप्पड़ से भी पीट कर उसे घायल कर दिया। उसके बाद 5 कमरे का ताला तोड़कर लूटपाट किया। उसके बाद आसानी से पूरब दिशा की ओर भाग गए। महिलाओं ने बताया कि सभी डकैतों की उम्र 20 वर्ष और 2 डकैतों की उम्र 35 वर्ष के आसपास थी। आते ही पूछा कि तुम लोग कौन जात हो। महिलाओं ने बताया कि हम शाह हैं। फिर पूछा कि पंडित जी लोग किधर हैं। महिलाओं ने बताया कि पश्चिम टोला में। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच पड़ताल की। वहीं शुक्रवार की सुबह SDPO जितेंद्र पांडे घटनास्थल पर पहुंचकर महिलाओं से पूछताछ किया। कहा कि मामले के उद्भेदन के लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। डकैती मामले की जांच पड़ताल करने पहुंचे शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे SDPO जितेंद्र पांडे के समक्ष ग्रामीणों ने थानेदार की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि चौकीदार भी शराब के नशे में रहते हैं। वहीं थाने के पुलिस गश्ती के दौरान शराब की लाइन अप देते हैं। इतने पर SDPO श्री पांडे ने ग्रामीणों को अपने सरकारी नंबर दिए और बोले कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो मुझसे इन्फॉर्म करें, कोई भी दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। हसनपुरा से आशीष कुमार की रिपोर्ट। ऐसे क्या हुआ है? 12 बजे रात में बाहर साइड वालों आई यहाँ लोग उठा के बंदूक भिरा के आई थी डा डेरवा के केवाड़ी खोलवाले वालों, तो केवाड़ी खोल के ढूक के हमारे रूम में आ गलो। पीटा तकल तो हम खोल अभी तो बंदूक भिरा के बोले कितना के संख्या में मरले भी मरले भी वालो चाबी ना देता तो मरले वालो गाना लेवे खातिर। अच्छा, बाहर रहे लोग। अंदर कई आदमी घुसर हुए? 6-7 आदमी घुसर हुए। हमनी के ढूके ना देवे लो अंदर, ओ सरो में रख दे हुए लो हमनी के। का नाम पड़ी रहो? कुसुम देवी। घर कन्हौली। लगभग कौ बजे घटना हुई? 12 बजे। 12 बजे, 12 बजे रात के घटना। अच्छा, तो क्या कहुए लो केवाड़ी खोलवा के पहले आगे ना बोल हुए लो, खाली खटखट हो गए लो तो खोल दे सोचो कि घर के खोल दी देवी घुस गौ सन लगो सन गहना उहना मांगी तो डरे ना कभी कभी कि दौड़ल हो हमरा घर में चोर ढुकल बड़ सन बस इनका तो मारे लगो सन बहुत मार मर सन। हाँ, आ सब गहना गुड़िया लेके चल गए सब सामान कपड़ा लगे।